नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। निकाय चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण तय करने के लिए गठित राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंप दी है। अब इस रिपोर्ट को आज होने वाली कैबिनेट में मंजूरी देने की तैयारी है। इसके बाद रिपोर्ट के आधार पर निकाय चुनाव में पिछड़ों के लिए सीट का आरक्षण नए सिरे से तय किया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष राम आतौर सिंह ने इसकी पुष्टि कर दी है। इसी के साथ निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवांशु से जुड़ेंगे। विवांशु, ओबीसी आरक्षण को लेकर आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी है, अब आगे क्या कुछ होगा, कब इलेक्शन हो सकते हैं? जी मयूरी, आपको बता दें, निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण की जो जांच रिपोर्ट थी वो मुख्यमंत्री को कल, जो ओबीसी मोर्चा के सदस्य है उन्होंने कल मुख्यमंत्री को सौंपा है रिपोर्ट। उसके बाद माना ये जा रहा है कि अप्रैल तक उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव होंगे। आपको बताएं कि ट्रिपल टेस्ट की जो प्रारूप थी उसको सरकार ने कम समय के अंदर ही उसमें दूसरा फेज चल रहा है। वहीं अगर बात की जाए तो ओबीसी आरक्षण का सर्वे पूरा हो चुका है और माना जा रहा है कि अप्रैल में निकाय चुनाव हो सकते हैं। आपको बताएं कि कल प्रदेश में पिछड़ा वर्ग ओबीसी का सर्वे का काम पूरा हो गया, जिसके बाद आयोग के जो सदस्य हैं वो कल मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट दिए हैं और आज कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें फैसला होगा कि निकाय चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियों को नए सिरे से अब शुरू होगी, तो इसको लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही माना जा रहा है कि अप्रैल में इसके चुनाव की तिथियां आ जाएंगी, मई तक निकाय चुनाव संपन्न हो जाएगा। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस रिपोर्ट के बाद निकाय चुनाव की जो शुभगाहट है उसमें तेजी देखने को मिल रही है। वहीं आपको बताएं मैं मयूरी की, जहां देखे तो लंबे अरसे से, लगभग 6 महीने से उत्तर प्रदेश के अंदर में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। अब इस रिपोर्ट के बाद कहीं ना कहीं देखे तो प्रदेश के अंदर में निकाय चुनाव जल्द होने को नजर आते हैं। बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर में अगर देखे तो निकाय ओबीसी आरक्षण की जो स्थिति थी उसको कहीं ना कहीं माननीय कोर्ट की तरफ से रोका गया था, उसको फिर से कल बात कही गई थी। अब आपको बताया कि अब रिपोर्ट को फिर से मुख्यमंत्री को सौंपा गया है और साथ ही कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं आरक्षण के बगैर चुनाव करने की बात कही थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये चुनाव जो है इसमें आरक्षण का क्या प्रारूप नजर आता है। वहीं अगर बात की जाए तो जहां ओबीसी मोर्चे के तमाम, ओबीसी आयोग के तमाम लोग दावे आरोप लगा रहे थे कि 2017 में जो ओबीसी टेस्ट हुआ, जो ट्रिपल लेयर टेस्ट हुआ, उसमें कहीं ना कहीं कमी रही। इस आरोप के साथ नए सिरे से ट्रिपल टेस्ट कराने की मांग की गई। और बात की जाए तो आने वाले दिनों में जो ट्रिपल टेस्ट है वो संपन्न हो जाएगा और उसी के आधार पर चुनाव होगा। साथ ही अब जो भी सीटें हैं, चाहे निकाय हो, चाहे अगर देखे महापंचायत हो, महापालिका हो, नगर पालिका हो, इन सभी जगहों पर फिर से आरक्षण की जो सीटें हैं, जो आरक्षण की प्रारूप है उसको नए सिरे से अब चुनाव आयोग उस पर काम करते हुए नजर आएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो महानगर है वहाँ चुनाव आयोग सीटों का बंटवारा कैसे करता है, क्या महिला होता है या ओबीसी होता है, ये जनरल होता है, ये आने वाला समय बताएगा। जी विवांशु, जानकारी के मुताबिक आरक्षण में बड़ा उलटफेर हो सकता है, तो ये क्या कुछ उलटफेर हो सकता है? जी निश्चित तौर से अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को यूपी के अंदर में लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल के चुनाव के तौर पे देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि आरक्षण में ऐसे कई सारे प्रारूप आ सकते हैं। जैसे जहाँ एक तरफ ओबीसी अगर देखे तो ओबीसी आयोग के तमाम जो सदस्य हैं वो लगातार अपने चुनाव में अपनी भागीदारी को कम दिखाते हुए उन्होंने कोर्ट से और साथ ही साथ सरकार से मांग किया था कि हमें चुनाव के अंदर में कई जगह ज्यादा से ज्यादा दी जाए। साथ ही उन्होंने दलील दी थी कुछ ऐसे सीट हैं जहां ओबीसी की संख्या ज्यादा है, उसके बावजूद भी लंबे अरसे से ओबीसी
प्रत्याशी वहां से जीत कब नहीं आए, इन सभी दलीलों के साथ जो ओबीसी आयोग के लोग हैं, जो सदस्य हैं, उनका यही मांग है कि चुनाव को जाति के आधार पर किया जाए, जिसकी संख्या जहां भी ज्यादा हो और एक लंबे अवसर से वो उस वर्ग का व्यक्ति जनप्रतिनिधि बन के न आया हो, ऐसे व्यक्तियों को ऐसे सीटों को सरकार ध्यान दे और उन सब सीटों पर कहीं ना कहीं उन वर्ग को मौका दे जिन्हें कहीं ना कहीं लंबे अवसर से समय नहीं मिला है। जी जी धन्यवाद भिवंशु तमाम जानकारियों के लिए। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर साबिर के भाई जाकिर का शव कौशाम्बी के कोखराज थाना क्षेत्र में मिला। सूचना पर पहुंची कोखराज पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। जानकारी होने पर मृतक के चाचा पहुंचे और शव की पहचान की गई। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आसपास के सीसीटीवी के जरिए जांच पड़ताल की जा रही है। आखिर मौत कैसे हुई? बताया जा रहा है कि पुलिस की दबिश से बचने के लिए वो बहन के घर छुप कर रह रहा था। जाकिर मरियाडी गांव का रहने वाला है। जाकिर के हाथ पैर में गंभीर चोट के निशान मिले हैं। मामले की जांच की जा रही है। बता दें उमेश पाल शूटआउट में शामिल 2.5 लाख के इनामी शूटर साबिर के भाई का शव संदिग्ध हालत में मिला है। शूटर साबिर के भाई का नाम जाकिर है। जाकिर का शव कौशाम्बी जिले के कोखराज थाना क्षेत्र में मोहम्मदपुर गांव के एक खेत में लावारिस हालत में पड़ा मिला है। शव पर कुछ जगह पर चोट के निशान भी पाए गए हैं। साबिर के चाचा शमसुद्दीन और बहन ने जाकिर के शव की शिनाख्त की है। उसकी उम्र करीब 50 साल बताई जा रही है। शूटर साबिर और जाकिर प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के मरियाडी इलाके का रहने वाला है। उमेश पाल शूटआउट में नाम आने के बाद साबिर लगातार फरार चल रहा है। पुलिस ने उस पर 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है और पुलिस लगातार उसकी तलाश में दबिश दे रही है। बता दें जाकिर का भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। जाकिर को 8 साल पहले पत्नी के कत्ल के आरोप में जेल जाना पड़ा था। कुछ महीने पहले ही वो जमानत पर जेल से छूट कराया था, जिसके बाद अब उसका शव कौशाम्बी में खेत में लावारिस हालत में मिला है। जाकिर का संदिग्ध हालत में शव मिलने के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। बता दें बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के प्रमुख गवाह उमेश पाल की कोर्ट से लौटते हुए घर के सामने ही हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में माफिया डॉन अतीक अहमद का नाम सामने आया, जिसके बाद इस मुद्दे पर जमकर सियासत भी देखने को मिली थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था कि वह ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। वहीं इस मामले में कार्रवाई करते हुए 26 फरवरी को पुलिस ने सदाकत खान को गिरफ्तार किया। 27 फरवरी को हत्याकांड में शामिल अरबाज को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया और 6 मार्च को एक और शूटर उस्मान उर्फ विजय चौधरी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। इसके अलावा पुलिस अतीक अहमद के बेटे असद समेत 5 शूटरों की तलाश में जुटी हुई है। बता दें उमेश पाल हत्याकांड में लगातार पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। बता दें जाकिर का शव अहमदपुर गांव के खेत में लावारिस हालत में मिला है। पुलिस के मुताबिक शव पर कुछ जगह चोट के निशान भी हैं। शूटर साबिर के चाचा और बहन ने शव का शिनाख्त किया है। प्रयागराज के पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के मरियाडी इलाके के रहने वाले हैं साबिर और जाकिर। उमेश पाल शूटआउट केस में नाम सामने आने के बाद शूटर साबिर लगातार फरार चल रहा था। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पवन हमसे जुड़ चुके हैं। पवन, उमेश पाल हत्याकांड में क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल मयूरी, जिस तरीके से बीते 24 फरवरी को उमेश पाल को दिनदहाड़े गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया था, उस पूरे मामले को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। और इस पूरे मामले जो अभी तक जो सबसे बड़ी अभी सामने अहम बात आई है, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई है, जिसका जो इनामी है 2.5 लाख का साबिर,
उसके भाई का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। हालांकि जब पुलिस ने मौके पर जांच पड़ताल की तो उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले हैं और उसके परिजनों ने जो है उसकी पुष्टि की है कि जाकिर का ही शव है। हालांकि पुलिस कई और बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम को लेकर जो शाबिर है, जो 2.5 लाख का इनामी है, इस पूरे मामले को लेकर अगर उसके परिजन की तरह के उसके भाई का जो शव मिला है, एक बड़ा सवाल भी है कि किस तरीके से उसका शव मिला। हालांकि पुलिस कई बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि उसकी मौत किस तरीके से हुई है। जी मयूरी, पवन, इस पूरे मामले पर अभी तक पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है, जिस तरह से शव बरामद किया गया है? हालांकि जिस तरीके से ये जो शव पाया गया है, अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि उसकी मौत कैसे हुई है। हालांकि उसके चेहरे व उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं। पुलिस लगातार इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर रही है। इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि जाकिर की किस तरीके से मौत हुई है, लेकिन पुलिस जो है वो जांच पड़ताल कर रही है और जल्दी इस पूरे बात जो है बातें वो सामने आएंगी कि जाकिर की मौत किस तरीके से हुई है। जी जी पवन, अगर देखें तो पुलिस अभी अतीक अहमद के बेटे असद और 5 शूटरों की तलाश नहीं कर पाई है। बिल्कुल, पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो लोगों ने कई तरह के सवाल भी खड़े किए हैं, क्योंकि बीते 24 फरवरी को जब उमेश पाल को दिनदहाड़े गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया गया तो उस पूरे घटनाक्रम के दौरान कई ऐसे चेहरे सामने आए थे जो सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से सामने देखे गए थे। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस ने अभी तक 2 आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराया और 1 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस की टीमें लगातार अभी तलाश में जुटी हुई है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के जो मुख्य आरोपी हैं, जिनके चेहरे सामने आए थे, वो अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। लेकिन पुलिस की कई टीमें हैं जो कार्य कर रही हैं। कहा जा रहा है कि जल्दी इस पूरे मामले पे बड़ी कार्रवाई और सामने आने आएगी और लोगों के इस पूरे मामले को लेकर जो सवाल है उसके भी जवाब मिलेंगे। लेकिन इसमें जो बड़ी बातें सामने आ रही है कि जो अभी तक मुख्य आरोपी है वो अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। जी जी धन्यवाद पवन तमाम जानकारियों के लिए। बता दें उमेश पाल हत्याकांड में 2.5 लाख रुपए की इनामी शूटर साबिर के भाई जाबिर का शव गुरुवार को गंगा में उतराया मिला। वह उमेश पाल की हत्या की घटना के दिन ही फरार था। शव की शिनाख्त जाबिर की बहन ने की है। इसके शरीर पर कई चोट के निशान मिले हैं। हालांकि पुलिस ने अपने पंचनामा में उसके शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं दर्शाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कोखराज पुलिस को गुरुवार को एक व्यक्ति का शत विशत शव गंगा किनारे कछार में पड़े होने की जानकारी मिली। कुछ ही देर में मौके पर भीड़ जुट गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। गांव की गुड़िया पत्नी अक्रम ने शव की शिनाख्त अपने भाई के रूप में की है। बता दें 24 फरवरी को उमेश पाल की गोली बम मारकर हुई हत्या की गई थी, जिसके बाद से ही जाकिर के फरार होने की बात कही जा रही है। उमेश हत्याकांड के बाद घर से उसके गायब होने और गंगा के कछार में शव मिलने को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होती रहीं। जाकिर की बहन गुड़िया ने बताया कि उसका भाई घर आया था, इसके बाद से वह लापता हो गया। बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के प्रमुख गवाह उमेश पाल की कोर्ट से लौटते हुए घर के सामने ही हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में माफिया डॉन अतीक अहमद का नाम सामने आया, जिसके बाद इस मुद्दे पर जमकर सियासत भी देखने को मिली थी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था कि वो ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। वहीं इस मामले में कार्रवाई करते हुए 26 फरवरी को पुलिस ने सदाकत खान को गिरफ्तार किया। 27 फरवरी को हत्याकांड में शामिल अरबाज को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया और 6 मार्च को एक और शूटर उस्मान उर्फ विजय चौधरी को भी पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। इसके अलावा पुलिस अतीक अहमद के बेटे असद समेत 5 शूटरों की तलाश में जुटी हुई है। स्क्रीन पर आप 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। उमेश पाल हत्याकांड की ये तस्वीरें हैं।
बता दें उमेश पाल हत्याकांड के बाद सियासत भी गर्माती हुई नजर आई थी, और जिसके बाद सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा था ये आपको सुनाते हैं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं, क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर बंद करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं है इसी हाल हो रहा है इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पर कह रहे हैं, क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर बंद करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं है इसी हाल हो रहा है इस माफिया को मिट्टी। नाथ को सदन में जिन्होंने उमेश पाल हत्याकांड को लेकर बड़ा बयान दिया था, कहा था सभी अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बता दें जिसके बाद सीएम योगी के बयान के बाद लगातार इस पूरे मामले में एक्शन जारी रहा और दो अपराधियों का एनकाउंटर भी किया गया। वहीं अभी पुलिस अतीक अहमद के बेटे और उनके साथियों की तलाश में जुटी हुई है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता आशीष भट्ट हमसे जुड़ेंगे। आशीष, उमेश पाल हत्याकांड में क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? बता दें उमेश हत्याकांड के नामजद 2.5 लाख रुपए के इनामी शूटर साबिर के भाई का बृहस्पतिवार को गंगा में उतरा हुआ शव मिला था, ठीक है, तो जिसे गांव में सनसनी मच गई। आपको बता दें ये इनामी शूटर साबिर के भाई का शव मिला है जो कुछ साल पहले से ये जेल में था, अभी छूट के ये आया था। और आपको बता दें बृहस्पतिवार को सुबह इसकी व्यक्तिगत तौर पर इसके चाचा ने इसकी शिनाज की कि ये किनारे गंगा के कछार पे पड़े इसकी लाश मिली थी और ये कौशाम्बी के कुखराज के मदनपुर गांव में इसके खेत में लाश मिली थी। जी आशीष, अगर देखें तो इस पूरे मामले पर पुलिस अभी कई अपराधियों तक नहीं पहुंच पाई है, तो क्या कुछ एक्शन जारी है इसको लेकर? देखिए अभी कई जगह पे पुलिस की छानबीन करी जा रही है, कई टीमें बनाई गई हैं जो लगातार उन अपराधियों पे उनकी खोजबीन कर रही है और कहीं ना कहीं इनके जहाँ से इनके तार जुड़े हों उन लोगों को भी गिरफ्तारी करी जा रही है। और कुछ अपराधियों के ये भी शक है कि ये नेपाल की ओर भागे हैं या की तरफ भागे हैं, तो वहाँ पे भी इनकी टीम जाके खोजबीन कर रही है और कई टीमें ऐसी बनाई गई हैं, एसटीएफ की टीम है और ये आपके एसओजी टीम है और पुलिस की कई ऐसी अन्य टीमें बनाई गई हैं जो इनकी अपराधियों की जाके इनकी खोज कर रही है। और कई इनके ऐसे मुखबिर भी हैं जो इनको बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे ऐसे लोग हैं जो इनके इनके टच में थे, तो उनके थ्रू भी इनके पास जाने की वो किया जा रहा है। जी जी धन्यवाद आशीष तमाम जानकारियों के लिए। बता दें उमेश पाल हत्याकांड में लगातार एक्शन जारी है, वहीं उमेश पाल शूटआउट में नाम आने के बाद साबिर लगातार फरार चल रहा है। साबिर के भाई जाकिर भी हाल में पत्नी की हत्या मामले में जमानत पर बाहर आया है। उमेश पाल शूटआउट में शामिल 2.5 लाख के इनामी शूटर साबिर के भाई का शव संदिग्ध हालत में मिला है। शूटर साबिर के भाई का नाम जाकिर है। जाकिर का शव कौशाम्बी
जिले के कोखराज थाना क्षेत्र में मोहम्मदपुर गांव के एक खेत में लावारिस हालत में पड़ा मिला है। शव पर कुछ जगहों पर चोट के निशान भी हैं। साबिर के चाचा और बहन ने जाकिर के शव की शिनाख्त की है, जिसकी उम्र करीब 50 साल बताई जा रही है। और उमेश पाल हत्याकांड को लेकर पक्ष और विपक्ष से सीएम योगी ने क्या कुछ कहा था और अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा था, ये आपको सुनाते हैं। शूटिंग हो रही हो दिन दहाड़े, गोलियां चल रही हो, बम चल रहे हो, धुआं उड़ते हुए देख रहे हो, और मुख्य जो गवाह है उसकी हत्या हो जाए, अधिवक्ता की हत्या हो जाए, सुरक्षा जो कर्मी थे उनकी हत्या हो जाए, और आखिरकार पुलिस क्या करी उत्तर प्रदेश में? और अगर समय पर इलाज मिल जाता जहां अस्पताल में पहुंचे हैं तो शायद किसी की जान बच जाती। आखिरकार ये सरकार कर क्या रही है? ये डबल इंजन काम हो रहे हैं और सिक्योरिटी का फेलियर, आपका इंटेलिजेंस फेलियर, कमिश्नरेट बता रहे हैं, कमिश्नरेट से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर बंद तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं इसी हाल हो रहा है, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार के लिए सरकार किसकी है तकलीफ में हो, ये माफिया है इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप से अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जिसमें उमेश पाल हत्याकांड को लेकर सियासत गरमाती हुई नजर आई। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस